बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, विकास दुबे केस से जुड़ी हुई आ रही है। विकास दुबे के खजांची पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि जय वाजपेयी पर दर्ज हुई है एक और एफआईआर। फर्जी शपथ पत्र से पासपोर्ट बनवाने पर केस दर्ज किया गया है। आपराधिक इतिहास छिपाकर पासपोर्ट बनवाया था। 2012 में जय वाजपेयी ने पासपोर्ट बनवाया था, पुलिस की मिलीभगत से पासपोर्ट बनवाया था। एसआईटी जांच के बाद केस दर्ज के आदेश दे दिए गए हैं। जय वाजपेयी पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, विकास दुबे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। फर्जी शपथ पत्र से पासपोर्ट बनवाने का ये केस सामने आया है। पुलिस की मिलीभगत के साथ ये पासपोर्ट बना हुआ था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगे थे इसमें, आपराधिक रिकॉर्ड्स छुपाकर ये पूरा मामला सामने आया है। 2012 में जय वाजपेयी ने पासपोर्ट बनवाया था और पुलिस की मिलीभगत से ही जय वाजपेयी का पासपोर्ट बन पाया था। एसआईटी जांच के बाद केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। अश्विनी निगम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, जय वाजपेयी पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। कंचन, देखिए, जय वाजपेयी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। लगातार जेल में रहने के बावजूद भी उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जहां फर्जी पासपोर्ट के मामले में एसआईटी टीम ने उसमें जो है शपथ पत्र पाया है, जिसके चलते हुए कानपुर के आज नजीराबाद थाना क्षेत्र में 420 के तहत उनके फर्जी पासपोर्ट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कंचन, पुलिस की मिलीभगत से ये पासपोर्ट बनवाया गया था 2012 में, ये भी जांच में सामने निकल कर आया है। देखिए कंचन, इस मामले में भी एसआईटी टीम जांच कर रही है, क्योंकि जिस वक्त 2012 में जब इसका पासपोर्ट बनाया गया था, उस टाइम पर इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पूरी रिपोर्ट लगाई गई थी थाने से, वो पुलिस की मिलीभगत के चलते हुए रिपोर्ट लगाई, जिसके बारे में एसआईटी टीम जांच कर रही है, और इस पर भी अगर जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एसआईटी की टीम कार्रवाई करेगी। ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है अश्विनी, क्योंकि 2012 में जब पासपोर्ट बना था और पुलिस इनके साथ मिली थी, तो क्या उन पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कहना सही है कंचन, जिस हिसाब से आप बिकरू कांड के मामले को लेकर के और जय वाजपेयी के लेकर के जितने भी कनेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें जो भी अधिकारी सिपाही या सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं, उन सब पे कार्रवाई होती जा रही है। लेकिन ऐसे मामले में जो नया खुलासा हुआ है कि फर्जी पासपोर्ट के मामले में जो जानकारी निकल के आई, इस मामले में भी जो लोग सिपाही या सब इंस्पेक्टर लोग दोषी पाए जाएंगे, तो ऐसे मामले में भी एसआईटी टीम उनके खिलाफ भी जांच के आदेश देकर के उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। तो इस कांड में जुड़े जितने भी लोग हैं, एक के बाद एक उन पर कार्रवाई हो रही है, और इसी कड़ी में जय वाजपेयी की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया अश्वनी जानकारी के लिए।